हेलो किसान साथियों, नमस्कार। मैं राजेश कुमार मौर्य अपने चैनल आरके एग्री सॉल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, इस वीडियो में आप लोगों को मूली की खेती के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं कि किस तरीके से हम मूली की खेती करें कि ताकि कीड़े की प्रॉब्लम से हम ज़्यादातर परेशान हैं, हर एक किसान परेशान है, और कौन सी वैरायटी लगाना बेहतर होता है, ये भी जानकारी आज इस वीडियो में हम आपको देने वाला हूँ। बहरहाल मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोज अपलोड किया हूँ जिसको आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया हुआ है, तो उस वीडियो से बहुत सारे किसान भाइयों को लाभ हुआ है। लेकिन हमने फिर से एक वीडियो लेकर के आया हूँ। वीडियो पुराना टाइप का ही है लेकिन कुछ वैरायटियाँ चेंज हुई हैं और कुछ दवाओं का तरीका हमने पिछले वीडियो में बताया था, वही इस वीडियो में भी बताने वाला हूँ। तो थोड़ा सा तरीका उसमें, किसान भाई पूरा वीडियो देखते नहीं हैं और जान नहीं पाते कौन सी दवा कैसे डालनी है, तो इस वीडियो को आप लोग जब स्टेप बाय स्टेप पूरा देखेंगे तभी जानकारी आप लोगों को मिल पाएगी कि कौन सी दवा, कौन सी वैरायटी कब कैसे लगानी है, कब कैसे पानी देना है, तब जा कर के आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए किसान साथियों, शुरू करते हैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं आप लोगों को दवा के बारे में ही बता देता हूँ, फिर उसके बाद वैरायटी के बारे में बताऊँगी कौन सी वैरायटी आप लोग लगाइएगा, क्योंकि दवा ज़्यादा ज़रूरी होती है। वैरायटी तो आपको मार्केट में मिल ही जाती, बहुत सारी अच्छी अच्छी वैरायटियाँ हैं, लेकिन वैरायटियों के बारे में जो भी बताऊंगा किसान से, तो मैं हाइब्रिड वैरायटी बताऊंगा। क्यों? क्योंकि हाइब्रिड वैरायटी थोड़ा सा जल्दी तैयार हो जाती है, आपकी 25 से 30 दिन या 35 दिन मैक्सिमम लगता है जो तैयार हो जाती है। बट आप जो रिसर्च या देसी वैरायटी आप लोग बोते हैं 50 से 60 दिन तक का समय ले लेती है, 40 से कम दिन नहीं लेती, वो भी 50 दिन 55 60 दिन वो समय ले लेती है किसान साथियों। तो आपको हाइब्रिड वैरायटी के बारे में बताऊंगा। चलिए उससे पहले आपको दवा बताता हूं। उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो और टाइम पर सारी चीज़ों का सोल्यूशन मिलता रहे किसान साथियों। तो किसान साथियों, जो दवा की बात किया जाए किसान साथियों, जो आप जब भी खेत की जुताई करिए, क्या होता है कि जो कीड़ा है मूली में जो लगता है वो मिट्टी के अंदर होता, अलग से वो नहीं आता, ना पौधे के ऊपर से वो घुसता है, वो ऑलरेडी आपकी मिट्टी में है। तो आपको मिट्टी को ट्रीट करना है, ना कि मूली को ट्रीट करना होता है। तो मिट्टी को ट्रीट करने के लिए कुछ मार्केट में दवाएं अवेलेबल है जो कि आपको नॉर्मली मिल भी जाती है। मैं ऐसी कोई बायो दवा या वैसी दवा नहीं बताने वाला हूँ जो मार्केट में आपको ना मिले। तो किसान साथियों, जब आप खेत की जुताई करिए, उसी टाइम बुआई करने से पहले जब आप लोग जुताई कराते हैं, तो उसी टाइम मार्केट में मिलता है एक विल्लोवुड कंपनी का एग्जोटिका, जिसमें कि 4% क्लोरोपाइरीफास होता है और अदर मटेरियल होता है। आप उसको 10 बिस्वा में 2 से 3 केजी आपको डालना है, उसको 2 से 3 केजी अगर आप उसको डाल के मेरे खेत की जुताई करा दीजिए। खेत की जुताई करने के बाद आपको क्या करना है, मेड़ी बनानी है, जिस तरीके से आप लोग मूली की बुआई करते हैं नॉर्मल फील्ड, जैसे भी करनी है आप वैसे करिए, हम ऐसा कुछ नहीं करें। लेकिन अगर आप लोग, एक सजेस्ट करूँगा, अगर आप लोग मेड़ी बना करके मूली बोते हैं तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट होता है, जड़ लंबी होती है और दवाओं का अच्छा खासा उसमें आप लोग प्रयोग भी कर लेते हैं। तो इसके बाद क्या करना है, आपको मेड़ी बनानी है, मेड़ी बना करके आप उसमें सोइंग सीड की कर देनी है, जो भी वैरायटी आगे मैं बताने वाला हूँ। वैरायटी को सोइंग करने के बाद जब आप पहला इरिगेशन देंगे तो आपको मार्केट में मिलता है क्लोरोपाइरीफास और साइपरमेथ्रिन का मिक्सअप, जिसको 505 के नाम से हर एक कंपनी, जितनी भी ब्रांड कंपनियां हैं, विल्लोवुड हो या आपका एक्सेल है जो कि अब सोमिटोमी हो गए, बायर है, काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो कि मार्केट में 505 के नाम से देती हैं, जिसमें 50% क्लोरोपाइरीफास और 5% साइपरमेथ्रिन होता है। आप इसको फील्ड से मार्केट से लाएंगे और लगभग अगर आपका 10 बिस्वा खेत है, मतलब कि 10 बिस्वा का आपको दवा बता देता हूँ रोज कितना, आप जो पानी जिससे आप स्प्रे करते हो दवा, उसमें आपको क्या करना, जो फुहारा मारता है आप उसको नाजुल को निकाल दीजिएगा। नाजुल को निकाल करके उसमें जो पानी पाइप होगी उसको डायरेक्ट आप उस पंप में आपको 100 ml उस क्लोरोपाइरी 505 दवा को 100 ml पनटंकी में डालना है, और आपको जहाँ से इरिगेशन आप दे रहे हो उसी पानी के साथ आप उसको छोड़ दीजिए।
जब तक चले तब तक ठीक है, नहीं नेक्स्ट जब आपको लगे कि हाँ अभी और दवा चाहिए, फिर 100 ml अपनी टंकी में घोरिए और फिर उसको उसी तरीके से अपने पंप को चालू कर दीजिए। पानी आपका जहाँ से इरीगेशन होता रहेगा वहाँ से पूरे खेत में फील्ड में फैलता रहेगा। आपको एक जोटिका जो आपको मिट्टी में मिला है, आपको इसको 15 दिन बाद फिर एक बार डालना है बालू या मिट्टी खाद में मिला करके। लेकिन ये जो आपको दवा क्लोरोपाइरीफास डालना है, इसको हर एक इरीगेशन गैप करके हर तीसरे इरीगेशन पे आपको इसको देना पड़ेगा। ये आपको 3 से 4 बार अगर आप दे देते हैं, 3 बार मैक्सिमम, 3 बार देने के बाद आपकी लगभग 3 से 4 इरीगेशन के बाद देने के बाद आपकी मूली तैयार हो जाएगी। क्योंकि हाइब्रिड मूली 25 से 30 दिन या 35 दिन मैक्सिमम 25 से 35 दिन के बीच में एकदम हमेशा हाइब्रिड मूली तैयार हो जाती है। किसान साथियों एक बात और बता दूँ, ठंड में ज़्यादा दो या रोग लगने की शिकायत बहुत ही कम होती है। सबसे ज़्यादा यह रोग गर्मियों में लगता है, बरसात में थोड़ा बहुत देखने को मिलता है किसान साथियों। तो ये रहा दवाओं का तरीका, आपको 505 दवा को 3 से 4 बार एक इरीगेशन गैप करके आपको देना है और एक्जोटिका को 2 बार, एक पहला जब आप जुताई कराएंगे तब डालेंगे, एक 15 दिन बाद जब आप उसमें आप खाद या खाद देते टाइम या बालू के साथ मिला करके आप उसको देंगे। आपको 2 से 3 kg 10 बिस्वा खेत के लिए बहुत पर्याप्त होता है। 1 बीघा तो आप 5 से 6 kg आप उसको लेकर के अपने खेत में डाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपका 5 बिस्वा तो आप 1 किलो या 1.5 किलो तक आप उसको अपने खेत में, 2 किलो तक भी डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये रहा किसान साथियों दवा का प्रोसेस। चलिए हम आपको कुछ महत्वपूर्ण ब्रांडों के बारे में बताता हूँ जो कि काफ़ी अच्छी वैरायटी मार्केट में चल रही है। तो चलिए आगे आपको ब्राइटी के बारे में बताता हूँ, उससे पहले आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। तो किसान साथियों जो कि पहली वैरायटी हमारी है वो व्हाइट परले हाईवेज कंपनी की काफ़ी अच्छी वैरायटी। किसान साथियों आप इस वैरायटी को ला करके लगा सकते हैं। किसान साथियों अगर रेट की बात किया जाए 1200 से 1300 रुपये तक का इसका आपको मार्केट में 1 kg सीड मिल जाएगा। नेक्स्ट वैरायटी किसान साथियों सेंग्रो की है, ये बहुत महंगी 1500-1600 रुपये पर केजी के हिसाब से। आप इस वैरायटी को भी लगा सकते हैं, सभी वैरायटी 30 से 35 दिन में आपकी तैयार हो जाएंगी। नेक्स्ट है किसान साथियों व्हाइट मोज़ेक असेंबलीज कंपनी की वैरायटी है, काफ़ी अच्छी वैरायटी ये भी होती है, आप इस वैरायटी को भी लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छी वैरायटी है। नेक्स्ट है एक जेनेक्स्ट की, ये 2-3 सालों से चल रही है, हमने अभी इसको गर्मी में लगवाया था, अच्छी थी वैरायटी, बहुत ख़राब नहीं थी, मीडियम साइज़ की थी। इसका रेट आपको मार्केट में 1000 से 1200 के बीच में आपको मार्केट में मिल जाएगा ये बी सीड। नेक्स्ट एक जेनेक्स्ट की 3636 है किसान साथियों, ये भी अच्छी वैरायटी, आप इस वैरायटी को भी लगा सकते हैं। ये एक वैरायटी आपको मिलेगी गरिमा के नाम से, पहुजा। पहुजा का क्या होता है किसान साथियों, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को अलग अलग नाम से मिलती है, कोई बताता नहीं, ये आपको हम बता रहे हैं किसान साथियों, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताता है। तो ये गरिमा है, किसी और शॉप पे किसी और के नाम से मिलेगी, लेकिन वैरायटी अच्छी है भी है, हाइब्रिड वैरायटी है किसान साथियों। इसका भी रेट आपको लगभग 1000 रुपये पर केजी के हिसाब से आपको मार्केट में मिल जाएगा। नेक्स्ट है किसान साथियों काफ़ी पुरानी वैरायटी, आप लोगों को पता है नोबेल की मास्टर, अब इसका रेट किसान साथियों हो गया 1300 रुपये, पहले 950-1000 रुपये हुआ करता था, लेकिन इसका प्राइस अब 1300 रुपये आपको पर केजी के हिसाब से मार्केट में मिलेगा, काफ़ी अच्छी वैरायटी है किसान साथियों। नेक्स्ट वैरायटी किसान साथियों न्यू फील्ड की है, मेजर 30 करके आती है, 360 करके आती है, यह भी काफ़ी अच्छी वैरायटी मेजर है, मेजर के नाम से आती है किसान साथियों, आप इस वैरायटी को भी लगा सकते हैं, अभी आपको 950-1000 रुपये पर केजी के हिसाब से मार्केट में सीड मिल जाएगा। नेक्स्ट किसान साथी यूनिसेम की एमोग है, यह भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है, आप इस वैरायटी को भी लगा सकते हैं, इसकी फ़ोटो मैं अभी अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छी वैरायटी ये भी है। और सभी वैरायटी हम लगवाए हैं, लगभग का छोड़ के बाकी सभी वैरायटियाँ लगाया भी हूँ, लगवाता भी हूँ, काफ़ी अच्छी उत्पादन भी दे रहे हैं किसान साथियों। और कीड़े से छुटकारा पाने के लिए हमने आपको पहले से ही वीडियो में बता दिया कि किस तरीके से आप कीड़े से छुटकारा पा सकते हैं। बस आज के लिए इतने किसान साथियों, अगर आप लोगों को हमसे बात करना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से हमसे जुड़ करके आप हमसे बात कर सकते हो। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।